थोड़ा सा यार मैंने वीडियोस की रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्डिंग देखी आप लोगों के क्लास की। थोड़ा सा जो डाउट्स का जो नेचर है वो कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव है। मतलब डाउट्स पूछने से मना नहीं करता, बट ऐसे डाउट पूछिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। ऐसे नहीं कि बस टीचर को तंग करने के लिए आप पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके बेटा। मतलब मैं ये किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप जब डाउट्स पूछ रहे हो तो जब टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा है तो उसकी बात भी सुनिए, सिर्फ अपनी बात मत बोलिए, ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट दिस हैज बीन माय ऑब्जर्वेशन इन द इन योर रिकॉर्डिंग्स, द क्लास की रिकॉर्डिंग्स, आपकी सारी रिकॉर्डिंग देखता हूँ मैं। ठीक है, कि जो डाउट्स का जो नेचर है वो मतलब क्लास को आगे बढ़ाने की जगह पीछे पुल करने वाला है, इससे नुकसान आप ही का होगा, सिलेबस आप ही का फंसेगा। अभी तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, फिर मतलब एक्स्ट्रा क्लास भी दी गई थी वो भी नहीं हो पाई, खैर उसकी जगह तो एक और एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ओके, सो लेकिन द थिंग इज, कोशिश करिए कि क्लास में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको समझें, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जो भी बताया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन आपको सही दिया जा रहा था, मैंने सुना देखा सारा, बट उसको ग्रास्प करने की कोशिश कम की जा रही थी। मैं कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो हमें आप लोगों का मोशन कंप्लीट हो गया, राइट? मोशन के की पॉइंट्स अपन को पता है, सारी डेफिनेशन पता है, की पॉइंट्स क्या क्या, सबसे पहले क्या आएगा, डेफिनेशन आएंगी, है ना? है ना? डेफिनेशन में क्या मतलब, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ आएगा। इसमें मुझे बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? जहां पर जनरली कंफ्यूजन होता है मैं उन चीजों को क्लियर करना चाहता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है? क्या बोले सर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रिटार्डेशन क्या होता है बेटा? सर वो माइनस एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन। किसी ने कहा नेगेटिव एक्सेलरेशन, किसी ने कहा कुछ और भी कह रहा था कुछ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है परफेक्टली करेक्ट नहीं है। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में ये रहता नेगेटिव एक्सेलरेशन, आप लोगों की बुक में ये लिखा रहता नेगेटिव एक्सेलरेशन, बट असली में क्या होता है एक बार समझो बात को। मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी इसकी इधर है, तो मतलब ये राइट डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना? है ना? यस सर। अगर इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट? यस सर। या स्पीड कांस्टेंट है बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट है, राइट? अगर इसको मैं इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन दे दूं तो क्या होगा, इट विल मीन कि स्पीड इज इंक्रीजिंग, हाँ या ना? यस सर। बट वही एक्सेलरेशन अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में दे दूं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज करेगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड इंक्रीज भी कर सकता है और स्पीड डिक्रीज भी कर सकता है, राइट? तो जब स्पीड डिक्रीज करता है, ध्यान दीजिएगा, जब स्पीड डिक्रीज करता है तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस एक्सेलरेशन विल बी कॉल्ड रिटार्डेशन। मतलब यह है सीधा सा कि बेटा इफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड
अपोजिट टू वेलोसिटी. समझ में आई बात? व्हेन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अपोजिट टू वेलोसिटी द स्पीड डिक्रीजेस और क्या कह सकते हैं आप, पार्टिकल स्लोज डाउन. ठीक है, वी से दैट द एक्सेलरेशन द ऑब्जेक्ट इज एंड वी से ऑब्जेक्ट इज रिटार्डिंग. रिटार्डेशन का बेटा सीधा सा मीनिंग होता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, अब सर तो इसका मतलब नेगेटिव हो तो गया. कई लोग बोलते हैं सर इसका मतलब नेगेटिव हो तो गया, पर इसको समझिए एक बार और, एक बात और समझिए. देखिए मान लेते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन जो ये जो एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव है? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता बताइए तो, आप में से कौन बताएगा ये बात? कोई भी बोल सकता है, कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं कि हाथ हैंड रेस करोगे तभी बोलोगे. ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा? होगा नहीं बेटा, जरूरी नहीं. इट डिपेंड्स ऑन आवर साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, आपको कोई भी इक्वेशन लिखते वक्त कुछ भी करते वक्त किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होता है, एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होता है, हाँ या ना? तो अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस लिया हूं, इस अपोजिट डायरेक्शन को माइनस लिया हूं, लेट्स से, तो ऐसे में मैं बोलूंगा वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, राइट? है ना? बट अगर मेरा कन्वेंशन ऐसा हो जाए कि मैं लेफ्ट साइड को प्लस ले लू और राइट साइड को माइनस ले लू, तो मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है. मतलब सिनेरियो सेम है, स्पीड पार्टिकल की डिक्रीज हो रही है, हाँ या ना? यस सर, स्पीड इज डिक्रीजिंग, दिस इंप्लाइज रिटार्डेशन है, बट उसके बावजूद एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है इफ आर साइन कन्वेंशन सेज सो. ओके बेटा, ओके बेटा, यस सर, ओके सर, यस सर, यस सर. मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तभी रिटार्डेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है उस वक्त रिटार्डेशन नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है. ऐसा भी केस देख सकते हो आप कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है उसके बावजूद रिटार्डेशन नहीं. कैसे? पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, और मैंने क्या किया, इसी डायरेक्शन को माइनस ले लिया, इसके अपोजिट डायरेक्शन को प्लस ले लिया. अब बताओ क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, बट नो रिटार्डेशन. समझ में आई बात? यस सर, यस सर. तो बेटा रिटार्डेशन होता कब है? यस सर. तो सर रिटार्डेशन तब होता है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है. मतलब अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो रिटार्डेशन. समझ में आई बात? दोनों माइनस है तो रिटार्डेशन नहीं है, दोनों प्लस है तो रिटार्डेशन नहीं है. ओके, मतलब साइन अपोजिट रहना चाहिए. हाँ, साइन दोनों का अपोजिट होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, तब रिटार्डेशन होता है. ओके बेटा, तो सर हमारी बुक में क्यों लिखा रहता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन? बुक में लिखा रहता ना, टीचर ही बताते हैं. तो देखो बाय डिफॉल्ट हम लोग अगर मेंशन नहीं करें तो हम लोगों को हमेशा ये भी मेंशन करना चाहिए, बट जनरली हम लोग बाय डिफॉल्ट नहीं बोलना चाहिए, जनरली हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं. देयरफॉर इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव मतलब क्या है, रिटार्डेशन है. ओके बेटा, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो रिटार्डेशन नहीं है. देखो रिटार्डेशन कोई अलग चीज नहीं, रिटार्डेशन इज सेम एज एक्सेलरेशन, कोई अलग चीज नहीं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम टू सेम चीज है, बस डायरेक्शन वाली बात है.
ठीक है, अगर आपकी कार स्लो डाउन हो रही है तो आप कहते हो रिटार्डेशन है, अगर आपकी कार की स्पीड अप हो रही है तो आप क्या बोलते हो एक्सेलरेशन है, बस इतनी सी बात है। दोनों ही केस में हो क्या रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, एक केस में इंक्रीज हो रही है, एक केस में वेलोसिटी नहीं स्पीड चेंज हो रही है, एक केस में इंक्रीज हो रही है, एक केस में डिक्रीज हो रही है स्पीड, राइट? हाँ है ना? यस सर, यस सर, कॉपी कर लो। कॉपी हो गया? सर वो जनरली के बाद क्या लिखा हुआ है? जनरली डायरेक्शन मैं ऐसे लिखता हूँ, डी आई आर, मैं ऊपर एन लिख दिया, मतलब डायरेक्शन है। okay, आप लोग प्लीज ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखोगे तो स्कूल में नंबर बिल्कुल अच्छे अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे शेप के, एकदम गोल 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 गोल, ठीक है? आगे बढ़े सर, रुक जाइए। यस सर, यस सर, बढ़ू आगे? यस सर, यस सर। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अ कार हैज, अ कार मूविंग विथ 20 मीटर्स पर सेकंड कम्स टू रेस्ट इन लेट्स से 5 seconds, फाइंड इट्स रिटार्डेशन। ओके बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं आप, बट मैं यही कराऊंगा। तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप बनाओगे डायग्राम, क्या करोगे, किसी भी क्वेश्चन आपको फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन मिले न्यूमेरिकल, आप क्या करोगे डायग्राम बनाओगे। अब डायग्राम का अंदर ये नहीं कि कार बनाया तो अपन बैठ के फेरारी की ड्राइंग कर रहे हैं, कार कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग अपनी फिजिक्स से मालूम है, ये बन गई कार की ड्राइंग। ओके बेटा, यस सर, ठीक है। ये कार कितनी स्पीड से जा रहा है? 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, आगे जाते 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 यहां जाके आगे आता है रेस्ट पे, है ना? कितनी देर के बाद? 5 सेकंड के बाद। तो टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। ओके, हमें इसका रिटार्डेशन निकालना है। तो मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे दो स्टेप्स हो गई है, डायग्राम, सॉरी एक ही स्टेप हुआ है, डायग्राम बनाए, लेकिन डायग्राम में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, डेटा लिखना, डायग्राम में डेटा लिखना जरूरी है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आया ना? Yes, मैंने यहां कितना डेटा लिखा है? दो लिखा है, हाँ? Yes, sir. नहीं, 3 लिखा है, रेस्ट भी तो डेटा है ना, कि फाइनली वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। जितना भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है सब लिख दो डायग्राम के अंदर, क्यों बार बार डायग्राम, बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, ठीक है बेटा। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या है सर? स्टेप 2 है साइन कन्वेंशन असाइन करना, किसी भी डायरेक्शन को प्लस ले लो, किसी भी डायरेक्शन को माइनस ले लो। मैंने इधर प्लस ले लिया, इधर माइनस ले लिया, मैंने वेलोसिटी के डायरेक्शन को प्लस ले लिया, अपोजिट डायरेक्शन को माइनस ले लिया। मैं काम करूंगा, दूसरे कलर से इसको सॉल्व करूंगा, मैं उसमें लेफ्ट को प्लस ले लूंगा, राइट को माइनस ले लूंगा। ओके बेटा,
कोई दिक्कत? मैं दोनों तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इस कन्वेंशन में देखिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो सर प्लस 20 मीटर पर सेकंड, राइट, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये स्टेप थ्री चल रहा है, साइन कन्वेंशन सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या कर रहा है, फिर से जो भी डेटा गिवन है उसको साइन कन्वेंशन के साथ दोबारा लिखो। ओके बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है प्लस 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है जीरो क्योंकि रेस्ट पे आ गया, टाइम दे रखा है कितना 5 सेकंड्स, और पूछा क्या गया रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, कोई बात नहीं, हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, बाद में देख लेंगे रिटार्डेशन कितना है। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद ये डेटा देखकर कि जो गिवन है और जो पूछा गया है ये देखकर डिसाइड करेंगे कि कौन सा इक्वेशन यूज करनी है। बताइए ऐसा कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये चारों आ रहे हैं, कौन सी इक्वेशन बताइए? तो v equal to u plus 80। हाँ, so v is equal to u plus 80, क्या लिखेंगे, 0 is equal to 20 plus a into 5। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है यहां पे, कई लोग बोलते हैं सर माइनस आ गया मतलब रिटार्डेशन है, नहीं, माइनस का मतलब है ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। ओके बेटा, ओके सर। तो मतलब आपकी कार के साथ वेलोसिटी इधर थी और एक्सेलरेशन इधर है क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। कितना है नेगेटिव डायरेक्शन में, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में सब कुछ गायब हो गया। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। अरे यार, हाँ, अरे पूरा पेज ही गायब हो गया, पता नहीं कैसे हुआ। चलो देखो क्या किया मैंने, फटाफट वापस ड्रॉ कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ वेलोसिटी इधर थी कितनी 20, जाकर आ गया रेस्ट पर 5 सेकंड्स में, ठीक है। मैंने पहले केस में इधर प्लस ले लिया, इधर माइनस ले लिया, मैंने बोला आपका ड्राइंग दिख नहीं रहा है बोर्ड पे, अभी दिख रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू प्लस 20, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। यहां पे हमने सिलेक्ट की इक्वेशन कौन सी, v इज इक्वल टू u प्लस 80। इसको आप सब लोग सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके आता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। माइनस साइन का मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब आपके पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, राइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिशन में है इसलिए ये एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन बेटा एक ही चीज है सिर्फ। सर रिटार्डेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कुछ नहीं है सर, पूरा रिटार्डेशन लिखेंगे, ठीक है। ओके, अगर मैं इसी को सॉल्व करने के लिए काम करता, मैं इस तरफ प्लस ले लेता और इस तरफ माइनस ले लेता तो क्या होता, मैं बोलता इनिशियल वेलोसिटी कितनी, फटाफट बताइए, तो इस डायरेक्शन में, इस कन्वेंशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी बताइए फटाफट बोलिए। माइनस ट्वेंटी। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो तो जीरो है सर, प्लस माइनस से मतलब नहीं होता, टाइम का प्लस माइनस से मतलब नहीं सर, 5 सेकंड है तो 5 सेकंड है। एक्सेलरेशन नहीं निकाला, रिटार्डेशन निकाला, बट कोई बात नहीं, हमारे पास इक्वेशन तो सिर्फ एक्सेलरेशन की ही होती है। अब देखो मैंने 20 लिखा है, 20 मीटर पर सेकंड लिखोगे, 5 सेकंड लिखो, ओके। अब लगाओगे v = 2+80, इसको सॉल्व करके देख लेंगे। बेटा कौन चिल्ला रहा है इसे, प्लस 5a, दैट मींस एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए अगर चिल्लाने का शौक है तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, प्लस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है, ये एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन। ये प्लस सिर्फ इतना बता रहा है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, ये रिटार्डेशन जो है, ये एक्सेलरेशन जो है इस तरफ है, और वेलोसिटी किधर है सर, वेलोसिटी तो इधर थी है ना, माइनस डायरेक्शन में वेलोसिटी, राइट। तो मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी के, मतलब कि रिटार्डेशन हो गया कितना,
कितना लिखोगे? नहीं, फोर ही लिखोगे, ध्यान दो। आप आंसर चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो सेम ही आएगा। रिटार्डेशन की वैल्यू तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है ना बेटा। हाँ या ना? Yes, समझ में आई बात? यस सर। रिटार्डेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब क्या बताना है आपको? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? सर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कहानी खत्म। ओके, यहां -4 नहीं लिखोगे। ओके सर। ये नहीं करना है सर, एक्सेलरेशन 4 आया तो रिटार्डेशन -4 है, नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. अब आपको जो मर्जी जैसा कन्वेंशन लेना लेके सॉल्व कर लो, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. हो गया, कॉपी हो गया सबका? क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, है ना? रिटार्डेशन कितना है बताना है, राइट? आगे बढ़ूं फिर? यस सर। तो ये तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में कॉमन कंफ्यूजन, जो भी कंफ्यूजन था, आप क्लियर है? यस सर। अब मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछूंगा, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब मेरे लिए होता है ट्रू एंड फॉल्स। देखते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ना, तो ट्रू एंड फॉल्स तो आप बताओगे, आप ही लोग आंसर दोगे। ठीक है बेटा? ओके सर। पहला सर, एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों फॉल्स है भाई, क्यों फॉल्स है बताइए? सर अगर वेलोसिटी डायरेक्शन अलग होती बेटा, ये वैसे तो ट्रू है, पर इसमें एक करेक्शन होना चाहिए। क्या क्या करेक्शन होना चाहिए? यहाँ पे मॉडुलस लगना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते आप। इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो बोल सकते हैं हाँ एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है हमेशा एवरेज स्पीड से कम होता है। कोई कारण बता सकता है इसका मेरे को? कोई कारण बता सकता है सर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा या तो वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस उसका इक्वल होगा जो स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में होता है, या अगर थोड़ा सा भी कर्व होगा तो डिस्प्लेसमेंट लेस होता है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज्यादा होता है सर। इसीलिए क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो इसका वैल्यू या तो इक्वल आएगा या कम। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है कि फॉल्स है? सो फॉल्स। क्यों? उल्टा होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रैवल ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना? यस सर। और उसको अगर इसको मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, इसको भी टाइम से डिवाइड कर दूं, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड आ जाएगा, राइट? है ना? साइन कन्वेंशन, सॉरी, ये जो लेस देन इक्वल टू लगाया उल्टा होना चाहिए। तो आसान क्वेश्चन है। 3, फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन,
एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू सर फॉल्स. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. जिसने ट्रू बोला उसने ट्रू क्यों बोला बताइए. क्योंकि सर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा, यही ना सोचा आपने? हाँ या ना? यस सर. पर बेटा एक चीज समझो, क्या ये मोशन स्ट्रेट लाइन में है या नहीं बताइए. पार्टिकल आगे गया और घूमकर उसी लाइन पे वापस आ गया, ये भी तो स्ट्रेट लाइन मोशन है. हाँ यस सर. तो क्या इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है? सर इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है. वापस अपनी जगह पे नहीं आया, यहाँ पहुंचा. तो डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है ना? यस सर. इसका मतलब एवरेज स्पीड विल बी ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. So even for a straight line motion, average velocity and average speed equal होना जरूरी नहीं है. Okay, बेटा? Okay, sir. For a straight line motion without turning around, for a straight line motion without turning around, distance traveled is equal to magnitude of displacement. True or false? Sir, true. Sir, true. ये ट्रू होगा. स्ट्रेट लाइन मोशन तो जरूरी है ही है, ये भी जरूरी है कि कहीं टर्न नहीं किया. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं? कॉपी कर लो जल्दी जल्दी, आगे बढ़ना है. आगे बढ़े. यस सर. सर प्लीज वेट. फटाफट कॉपी करो यार, बहुत स्लो कर रहे हो. जब मैं स्टेटमेंट लिख रहा होता हूँ आप भी लिखिए ना, उसमें तो कुछ है नहीं ना, सोचना तो उसके बाद में. हो गया? यस सर. फिफ्थ, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू instantaneous velocity. True or false? Sir, true. This is true. ठीक है? Magnitude के बारे में बात कर रहे हैं. Equal to magnitude of instantaneous velocity. ठीक है ना? Okay.
इफ एवरेज वेलोसिटी फॉर एन इंटरवल इज जीरो देन एवरेज स्पीड इज ऑल्सो जीरो ट्रू और फॉल्स सर फॉल्स सर फॉल्स एग्जाम्पल सर अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल मोशन में ट्रैवल अगर कोई सर्कल नहीं बोला क्लोज लूप बोला किसी भी क्लोज लूप में पार्टिकल घूम के वापस अपनी जगह पर आ गया तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड जीरो नहीं होगा राइट यस सेवेंथ इफ एवरेज स्पीड फॉर एन इंटरवल is zero average velocity is also zero true or false sir true kya aayega true true agla if average velocity for an interval is zero the instantaneous velocity for entire interval must also be zero true or false sir true false sir true sir true soch ke dekho average velocity agar interval ke liye zero hai matlab kya hua particle ghoom fir ke apni jagah par aaya hai na hai na yes to में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो होंगी ना अलग अलग टाइम पे कि नहीं होंगी yes, ये जीरो थोड़ा ना होगी yes, yes. फटाफट कॉपी करेंगे सर सर एक चीज पूछना है सर आपने लिखा है इफ एवरेज वेलोसिटी फॉर एन इंटरवल इज जीरो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर द एंटायर इंटरवल For the entire, इसका मतलब ये हो गया देखो ध्यान दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी इंटरवल का डिफाइंड होता ही नहीं है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन किसके लिए होता है एक इंस्टेंट के लिए होता है राइट यस सर मतलब जब आपसे अगर आपसे बोला जाए वेलोसिटी बिटवीन टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू फाइव इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या पूछ रहा है वो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है है ना यस सर और अगर बोला जाए वेलोसिटी एट t is equal to 4 इसका मतलब क्या बोल रहा है वो ऑटोमेटिकली क्या पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है क्योंकि यहां एट लगा दिया एक इंस्टेंट पर पूछ रहा है राइट इसको इंस्टेंटेनियस लिखने की जरूरत नहीं समझ में आई बात लैंग्वेज से समझ में आ रहा है इसका मतलब बिटवीन है ओके b / w का मतलब मेरा बिटवीन होता है ओके बेटा ठीक है सो वेलोसिटी बिटवीन इंटरवल लिख दिया जाए या वेलोसिटी फॉर एन इंटरवल लिख दिया जाए तो उसका मतलब एवरेज होता है और वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट लिख दिया जाए तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस होता है पर सर मैंने यहां पे लिखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर इंटरवल मतलब क्या है इसका so, इसका मतलब ये है कि इस पूरे इंटरवल के हर एक इंस्टेंट पर ओके समझ में आई बात यस सर यस यहां फॉर से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यूज कर लो वर्ड ड्यूरिंग ओके ठीक है अब क्लियर है यस सर लेकिन फॉर भी चलेगा फॉर में कुछ मतलब फॉर लिखा हुआ आता है एग्जाम्स में तो फॉर लिख सकते हो ओके बेटा यस सर तो क्लियर है कि कंफ्यूजन है चलो तो एवरेज वेलोसिटी अगर एक इंटरवल की जीरो तो जरूरी नहीं है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो आगे बढ़े यस सर समझो नंबर 8 लिखना था
कॉपी करो जल्दी जल्दी। यस सर लिख लिया। इफ नाइन्थ है ना ये, एवरेज स्पीड फॉर एन इंटरवल इज, इफ एवरेज स्पीड फॉर एन इंटरवल इज जीरो, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड ड्यूरिंग entire interval is also zero. True or false? Sir, true. This statement, सोचे दाओ true है कि false है ये? Sir, false. Sir, true. True है. Sir, true है. क्योंकि जैसे ही बोला कि average speed is zero, जैसे ही बोला average speed is zero, इसका मतलब particle move कर ही नहीं सकता, खड़ा है अपनी जगह पे चुपचाप, है ना? और अगर खड़ा ही है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी जीरो है ना? एवरेज स्पीड जीरो का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया डिस्टेंस जीरो है। डिस्टेंस जीरो मतलब पार्टिकल मूव ही नहीं कर सकता, है ना? यस सर। पिछले केस में ध्यान दीजिएगा, सेम स्टेटमेंट था, बस लिखा था एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी जीरो होगा क्या? तो नहीं। लेकिन अगर एवरेज स्पीड जीरो है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी जीरो होगा क्या? हाँ। समझ में आई बात? छोटा सा छोटा सा फर्क है ना दोनों स्टेटमेंट्स में। और क्या बढ़े, और क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ट्रू और फॉल्स? False. इससे बड़ा झूठ तो कोई है ही नहीं पूरे चैप्टर में, है ना? इलेवन डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड में इंक्रीज और डिक्रीज, ट्रू और फॉल्स? False. डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कार 2019 तक, 2014 में मान लीजिए आपने कार खरीदी, 2014 में आपने कार खरीदी, 2019 तक मान लेते हैं आपकी कार जो है वो 30,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अप टू 2020 आपकी कार का जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है वो डिक्रीज होके 20 की हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। डिस्टेंस ट्रेवल कभी डिक्रीज नहीं होता। क्यों? आप मान लेते हैं यहां पॉइंट ए से मूव करना शुरू किए, पॉइंट बी तक गए, लेट से ये डिस्टेंस जो आपने ए से बी तक का जो डिस्टेंस था, लेट से ये 10 किलोमीटर था, आप यहां से घूमकर वापस आए, ये आपने 5 किलोमीटर वापस उल्टा चल लिया, ये पहुंच गया पॉइंट सी पर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो 10 माइनस 5 5 हो गया, पर डिस्टेंस कितना हुआ? उल्टा आने के बाद भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज ही हो रहा है, राइट? हाँ, ना? Yes. आपका जो माइलेज होता है ना, गाड़ी का माइलेज मिलता है, पता है कि नहीं पता? एवरेज डिस्टेंस बाय पेट्रोल, यही है ना? यस। मतलब पेट्रोल कितने लीटर है, डिस्टेंस को डिवाइड कर दो उससे, तो आंसर आ जाएगा, राइट? तो आप ध्यान दीजिए, आपकी गाड़ी का मान लीजिए माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर, ओके, आपकी गाड़ी 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, उसके बाद गाड़ी, तो इसका मतलब कितना लीटर पेट्रोल खर्च करी है? 1 के, है ना? Yes, sir.
अब आप बोल रहे हो कि नहीं 20 के से डिस्टेंस घट के 10 के हो गया, मतलब पेट्रोल कितना खर्च होना चाहिए था अभी इस मोमेंट तक 500 लीटर, yes, है ना, समझ में आ रही बात? तो ये के 500 लीटर आपको वापस मिल जाएगा तेल, जो धुआं बन गया उड़ गया था वापस आ जाएगा क्या आपके पास? No, sir. नहीं ना? No, sir. मतलब क्या है इसका, डिस्टेंस कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकता, ओके? ओडोमीटर की जो रीडिंग होती है आपकी कार में वो कभी डिक्रीज नहीं होती, हमेशा इंक्रीज होती रहती है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता, ओके? आगे बढ़े, yes, sir. Yes, sir. 12. Displacement may be displacement, sorry. Speed may be positive, negative, or zero. True or false? It's a false. False. ये भी सरासर झूठ है, right? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Speed may increase or decrease. True or false? Yes, sir. True. False, na? Bolo? No, sir. Yes, sir. True. Sir. स्पीड तो डिक्रीज हो सकती है ना, तभी तो गाड़ी रुकेगी नहीं, तो गाड़ी स्पीड बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, कभी रुकी नहीं पाओगे, है ना? यस सर, समझ में आ रहा है? सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना इसमें, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन के, कि नहीं है क्लियर? सर क्लियर है, तो जल्दी जल्दी कॉपी करो, जल्दी सर वो 10 किलोमीटर ए से बी तक वो वाला डायग्राम भी बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स लिख के छोड़ दो, उसका एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, येलो कलर से लिखा उसको लिखने की जरूरत नहीं, बस मतलब ट्रू एंड फॉल्स लिखना येलो कलर वाला, ठीक है? क्योंकि दोबारा पढ़ोगे तो दोबारा खुद से सोचना है, ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है? If a truck travels equal distances every hour, it is undergoing uniform motion. True or false? Sir, true. Sir, शायद false. Sir, true. Sir, true. Sir, शायद false. क्यों? Direction not mentioned, sir, right? Direction, velocity अगर same होता तब वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे, अभी वो direction के बारे में नहीं बताया गया कि direction change हो रही कि नहीं हो रही, है ना? आया ना, कहानी खत्म। अब क्या जब बताया जाता उसके बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ स्टेटमेंट पे चल रहे हैं। आगे ऐसे करने में ना आगे वाले कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि मैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारे कवर कर रहा हूँ ना बेटा। यस सर, ट्रू। फॉल्स बेटा ये स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कैन चेंज, ये क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, राइट? सो इफ अ कार travels equal distances every hour along a straight road going in same direction, it is performing
यूनिफॉर्म मोशन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। दिस इज स्टिल फॉल्स सर। हाउ? डायरेक्शन सेम है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हर एक घंटे में, राइट? पर ऐसा हो सकता है ना, मान लीजिए कि 12 बजे शुरू किया, यहां 1 बजे पहुंचा, यहां 2 बजे पहुंचा, यहां 3 बजे पहुंचा, यहां 4 बजे पहुंचा, सारे डिस्टेंसेस इक्वल है। पर ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे सर ये गाड़ी जब चलना शुरू करी है तो पहले आधे घंटे में सिर्फ यहां से यहां पहुंची और अगले आधे घंटे में पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? हो सकता है कि नहीं हो सकता सर? हो सकता है। ये हो सकता है कि सर 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में यहां पहुंच चुकी है और अगले आधे घंटे में सिर्फ इतना ही चली, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना सर? हो सकता है। सिमिलर कहानी यहाँ पे हो सकती है कि यहाँ सर ये जो आधा डिस्टेंस है ये सिर्फ 2:15 तक ही ट्रेवल कर चुकी है, हो सकता है, और अगला आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने 45 मिनट लग गए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। ये हो सकता है कि अगली अगले घंटे में 15 मिनट में यहाँ पहुंच गया हो और अगले 45 मिनट में सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर, हो सकता है। तो क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है? नो सर, नहीं है ना। नो सर, बट इट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन एवरी आवर। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। दिस इज द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ लोग तो यहीं पे मान लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन है, वो तो गलत है ही है। कुछ लोग इसको यूनिफॉर्म मोशन मान लेते हैं, इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स along same direction, है ना? यही बोलते हो ना आप? अगर आपसे बोला जाए what is uniform motion तो क्या definition लिखोगे? If a particle travels equal distances in equal time intervals along same direction, then the particle is performing uniform motion. यही लिखते हो ना? हाँ या ना? Yes sir. पर वहाँ पे एक और चीज़ है जिसको भूल जाते हो, क्या? लिखा रहता है हमेशा no matter how small the time interval be. समझ में आई बात? Yes. ये इसका मीनिंग समझ में आया? इस ट्रू एंड फॉल्स से कि नहीं समझ में आया, जिसको हमेशा इग्नोर करते आए हो कि हर एक घंटे में तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्या हर एक मिनट में भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? नहीं, मतलब कहानी खत्म। समझ में आई बात? सर तो कितना छोटा ही होने के लिए? नो मैटर हाउ स्मॉल, लेस देन अ सेकंड, नॉट लेस देन अ सेकंड, लेस देन अ माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड छोड़ो माइक्रो सेकंड, मतलब आप जितना छोटा नंबर सोच सकते हो, जितना छोटा इंटरवल सोच सकते हो, उससे भी छोटे टाइम इंटरवल के लिए, मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के अलावा कोई और उपाय है ही नहीं बोलने के लिए। ठीक है बेटा, Yes, समझ में आया कि नहीं आया ये? लेकिन ये चीज हम लोग का बुक में नहीं लिखा रहता, no matter how small the time। इसको इसका एक्सप्लेनेशन भी। Excuse me, sir। नहीं लिखा रहता, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। ठीक है, यस बेटा। तो आगे से यूनिफॉर्म मोशन जब डिफाइन करेंगे ये ऐड कर देंगे क्या सर? आगे से अब जब यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करेंगे। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। दिस लाइन वापस एक्सप्लेन कर दूं, ये कह रहे हो? नो सर, अगर आगे कोई बोला कि यूनिफॉर्म मोशन की आवाज नहीं आ रही, देन वी हैव टू ऐड द लास्ट लाइन। यस, यू हैव टू ऐड द लास्ट लाइन। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so कितने हो गए थे? 15 के 16? Sir, 15. 15. 15. 16th.
और क्या बोल सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स में? इफ एवरेज स्पीड इज जीरो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल इज ऑल्सो जीरो. ट्रू के फॉल्स से ऐसा तो करवा रखा है. ऐसा ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू ट्रू है ना? यस यस सर. ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन पार्टिकल्स वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. दिस इज ट्रू. क्यों? क्योंकि स्पीड चेंज हो चाहे ना हो, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है ना. यस यस सर. द स्लोप ऑफ, अच्छा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एस. ट्रू है कि फॉल्स है? डेल्टा का मतलब, अच्छा डेल्टा का मतलब, डेल्टा का मतलब चेंज. डेल्टा एक्स का मतलब पोजीशन. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू चेंज इन एक्स. ओके, चेंज इन एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन. और सर डेल्टा एस मतलब क्या है? बता रहे डेल्टा एस का मतलब क्या हो गया? एस से क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हो ना? हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट. तो सर ये फॉल्स होगा. सर ये फॉल्स होगा. सर फॉल्स. दिस इज ट्रू. सर व्हाट? ध्यान दीजिए. लेट्स से इनिशियल पोजीशन, ये एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, ठीक है, इज एक्स नॉट. ठीक है, पोजीशन एट टी वन इज इक्वल टू एक्स वन एंड पोजीशन एट टी टू लेट्स से आपका आता है एक्स टू. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बेटा कि डिस्प्लेसमेंट एट टी वन कितना हो चुका है बताइए तो. टी वन, अगर इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट है, टी वन टाइम पे पोजीशन एक्स वन है, तो टी वन टाइम तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए तो जरा. आया ना? यस सर. इसको मैंने S1 कह दिया. S2 at T2 कितना होगा बताइए तो फटाफट. सर X2 minus X1. X2 minus X0 है ना? कोई दिक्कत है इसमें? पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दो. ओके, सो देयरफॉर डेल्टा S बिटवीन T1 एंड T2 कितना हुआ? T1 से लेके T2 के बीच में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? S2 minus S1. Yes, sir. That is equal to, क्या आया सर? X2 minus X0 minus X1 minus X0 आया कि नहीं आया? आया सर. और ये कितना हो गया? तो सर ये हो गया X2 minus X1, that is change in X. आया ना? हाँ सर. So delta S is equal to delta X. प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया. कॉपी कर लो.
सर फिर से बता सकते हैं? मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा से बताऊंगा, इसको पहले एक बार कॉपी कर लो, यहाँ पे और लिखने की जगह नहीं बची, इसे नेक्स्ट पेज बताऊंगा। Can you please dictate the therefore line? Therefore, delta s between T1 and T2, T1 और T2 के बीच में जो delta s आया, वो क्या हो गया? T2 का S2 minus T1 का S1, S2 minus S1, है ना? That is this minus this, है ना? Yes, sir. Subtract किया तो क्या बचेगा? X0 cancel हो जाएगा, क्या बचेगा? X2 minus X1 बचेगा, which is this minus this, which is change in position, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो आगे बढ़ूं? Explain करूंगा फिर से? Yes, sir. अच्छा देखो, डेल्टा मतलब मैंने आपको बोल दिया चेंज, पर चेंज का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको नहीं बताया। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, है ना? सर आगे का पेज थोड़ा सा दिखा सकते हैं? देख लो देख लो देख लो देख लो, जल्दी जल्दी देखो। हाँ सर हो गया, थोड़ा सा ही लिख लो। डेल्टा का मतलब, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया? चेंज इन एक्स। नाउ चेंज इन एक्स का मतलब क्या हुआ? x की फाइनल वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू। समझ में आई बात? कहने का मतलब समझिए, मान लीजिए आपके अकाउंट में जो बैलेंस है, बैलेंस को मैं b से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बैलेंस आपका डे वन पे, आपका ये बैलेंस है, ये डे वन, ये डे टू, ये डे थ्री, ये डे फोर, ठीक है? या अच्छा, इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैं कहीं और चला गया। आपके अकाउंट में मान लेते हैं आज जो बैलेंस है वो 100 रुपए है, और कल ये बैलेंस चेंज होके 110 हो गया, तो मतलब चेंज कितना है आपके बैलेंस में? सर 10 रुपए। 10 रुपए, राइट? अगर आज आपके बैंक में 100 रुपए हैं और कल वो चेंज होकर 90 हो गया, तो बैलेंस कितना हुआ? 10 रुपीज। माइनस टेन रुपीज। समझ में आई बात? हमेशा चेंज का मतलब फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे। फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट किया, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट किया, इनिशियल में से फाइनल सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। ओके बेटा, चेंज का मैग्नीट्यूड नहीं होता, ओके? नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? ओके, तो पहले तो चेंज का मीनिंग समझना था, उसके बाद बात करते हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा एस बराबर होते हैं कैसे, कैसे होता है, ये चीज समझिए। हाउ? तो देखो यार, कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल आपका रखा हुआ है, आपका x की वैल्यू लिख रहा हूं, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे लिख रहा हूं, t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे लिख रहा हूं। t is equal to 0 पे लेट से आपका x की वैल्यू 10 meters है, मतलब क्या है? आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, उस स्ट्रेट लाइन में आपने किसी एक पॉइंट पे x को 0 मान लिया। यस सर। यस सर, इनिशियल पॉइंट नहीं, इनिशियल पॉइंट नहीं है ये, x is equal to 0 है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपका x y एक्सिस का जरूरत नहीं होता मोशन 1D के लिए, मतलब मोशन 1D के बारे में बात करो तो ओरिजिन अपने आप डिफाइंड है, उसमें भी एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, पर वाई एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए उसको ड्रॉ नहीं करते। ओके ओके बेटा, अब मान लेते हैं पार्टिकल आपका यहाँ पर है, इनिशियली ये t इज इक्वल टू 0 पे, जरूरी थोड़ा t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहीं खड़ा हो, यहाँ भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर, हो सकता है। ये कितना है? 10 है, t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल का है 10 पर है। ओके, t इज इक्वल टू 5 पे लेट से ये पार्टिकल x इज इक्वल टू 10 से मूव करके चला गया है x इज इक्वल टू लेट से 25, तो t इज इक्वल टू 5 पे कहां पहुंच गया पार्टिकल? यहां पहुंच गया, है ना? और yes, t इज इक्वल टू 10 पे मान लेते हैं ये पार्टिकल मूव करके चला गया है 35 पे, तो t इज इक्वल टू 10 पे यहां पहुंच गया, है ना बेटा? कोई दिक्कत है? नो सर। सो नो सर, बिटवीन
टी इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू फाइव, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो से लेके फाइव के बीच में डेल्टा एक्स कितना आया, 15 आया कि नहीं? यस सर आया। बिटवीन टी इज इक्वल टू फाइव एंड टी इज इक्वल टू 10 डेल्टा एक्स कितना आया बताइए तो जरा, 10 आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, अब मुझे बताओ इसी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कलर नजर आ रहा है? यस सर। टी इज इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? टी इज इक्वल टू जीरो पर तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो ही होता है ना? यस सर जीरो ही होगा, क्योंकि इनिशियल टी इज इक्वल टू जीरो की पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन व्हिच इज टी इज इक्वल टू जीरो की पोजीशन, 10 माइनस 10 जीरो हो गया राइट। टी इज इक्वल टू फाइव पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, 25 माइनस 10 15 15 और टी इज इक्वल टू, अच्छा ये 8 था, 10 नहीं था, ओके। टी इज इक्वल टू 8 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है सर? 10 25 हो गया ना बेटा सर? 25 सर 10 एड हो जाए। तो मुझे बताओ बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 5 इस इंटरवल में, ये 8 है ओके, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 5 के बीच में आपका डेल्टा s कितना है? बोलिए सर 15। एंड बिटवीन t इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8 डेल्टा s कितना है बताइए तो सर? 10 10 है ना, मतलब देखिए ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं है? ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं है? है कि नहीं है? है सर है। मतलब डेल्टा एस और डेल्टा एक्स हमेशा इक्वल होते हैं, ओके बेटा? यस सर। एस और एक्स इक्वल नहीं होते पर डेल्टा एस और डेल्टा एक्स इक्वल होता है, ओके? ठीक है सर। हाँ बेटा सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस लास्ट पार्ट, मतलब टी इक्वल्स टू 5 और टी इक्वल्स टू 8 वाला पार्ट से? देखो t इज इक्वल टू 5 से लेकर t इज इक्वल टू 8 के बीच में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 15 से चेंज होकर 25 हो गया ना, t इज इक्वल टू 5 पे कितना है 15 और t इज इक्वल टू 8 पे कितना है 25, तो चेंज कितना आया, चेंज कितना आया बोलो बेटा? डाउट पूछा तो बताओ तो सही आंसर, तो कोशिश तो करो आंसर देने की। सर एक्चुअली आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा क्लियर आ रही है। मैं कह रहा हूं कि t इज इक्वल टू 5 तक डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर, t इज इक्वल टू 8 तक डिस्प्लेसमेंट है 25 मीटर, ओके? यस सर। सो व्हाट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल t इज इक्वल टू 5 सेकंड टू t इज इक्वल टू 8 सेकंड? फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, 25 माइनस 15 दैट इज 10 राइट? यस सर। So, t is equal to 5 and t is equal to 8 के बीच में डेल्टा s भी 10 है, डेल्टा x भी 10 है, राइट? यस सर। t is equal to 0 से t is equal to 5 के बीच में डेल्टा s भी 15 है, डेल्टा x भी 15 है, राइट? यस सर। सो मतलब क्या हो रहा है, डेल्टा s और डेल्टा x इक्वल होते हैं, मैंने पहले मैंने प्रूफ करा है मैथमेटिकली, अब मैंने ये सिर्फ एग्जांपल लिया है ना, पहले मैंने क्या प्रूफ कराया, मैंने बोला यार मैंने यहाँ पे जो नंबर्स लिए ना 10 25 35 उसकी जगह मैंने सीधे लिखा यहाँ पे कि लेट से इनिशियल पोजीशन x नॉट है, t1 पर x1 है, t2 पर x2 है, राइट? यस है ना, तो t1 टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x1 माइनस x0? यस सर। t2 टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x2 माइनस x0? ये लिखा मैंने s1 और s2, ओके? यस सर। अब मैंने बोला इसका मतलब क्या हुआ, t1 से लेके t2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s2 माइनस s1 हुआ? हाँ सर। That is x2 minus x0 minus x1 minus x0? Yes sir, yes sir। Subtract करेंगे तो x0 cancel हो गया? Yes sir। क्या बचा x2 minus x1 बचा? Yes sir। Which is also equal to change in position x2 minus x1, right? Yes sir। So change in displacement, अरे क्या हो रहा है, change in displacement is equal to change in position, okay? ओके सर। इसीलिए जब हम लोग वेलोसिटी लिखते हैं तो वेलोसिटी को हम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं
और डेल्टा एस बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके बेटा, यस सर। ये कौन सी वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी, राइट? यस सर। क्लियर है ना? हाँ सर। यहाँ एक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल को डिनोट करता है, फाइनल पोजीशन पार्टिकल। नहीं, किसी भी टाइम पे पोजीशन। ओके सर। डेल्टा एक्स मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है सर। आगे बढ़े फिर। तो मैंने आपको ट्रू एंड फॉल्स में क्या बोला था, डेल्टा एक्स और डेल्टा एस इक्वल होते हैं, तो हाँ इक्वल होते हैं। ओके बेटा। यस सर। ठीक है, अगला ट्रू एंड फॉल्स। द स्लोप ऑफ वी टी कर्व, कर्व मतलब ग्राफ, ठीक है, गिव्स क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं तो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। ओके, मुझे नजर नहीं आ रहा। द स्लोप ऑफ एस टी कर्व गिव्स वेलोसिटी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू ये है ना? यस सर, ट्रू। The slope of XT curve, position time curve, gives velocity. ये भी क्या है? True है. Okay, इसमें कोई दिक्कत? No sir. क्यों? क्योंकि ST curve का slope मतलब क्या? Delta S by delta T. XT curve का slope का लगा है? Delta X by delta T. दोनों equally तो हैं, यहाँ यही तो लिखा हुआ है ना? Yes sir. एरिया अंडर वी टी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। सही है कि गलत है? सर ट्रू। This is true. Area under AT curve क्या देगा बताइए तो जरा? Sir, velocity. नहीं, it will give you change in velocity. Okay बेटा? Yes sir. ठीक है? Yes. Yes sir. ध्यान दीजिएगा, velocity नहीं मिलती, इससे change in velocity मिलती है. Okay? ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कॉमन सिली मिस्टेक है ये, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, क्लास ट्वेल्थ के बच्चे भी यहां पे गलती करते हैं। सो एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, बट एरिया अंडर एटी कर्व गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों सर, डिस्प्लेसमेंट का जो रिश्ता वेलोसिटी से वही रिश्ता तो वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से, हाँ या ना? सर लेकिन एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम नहीं होता है। हाँ, आप यूं समझिए, वही समझिए, एरिया अंडर वीटी कर्व जो है ना डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन है ना? यस सर। तो एरिया अंडर वीटी कर्व क्या दे रहा है? चेंज इन पोजीशन। एरिया अंडर वीटी कर्व क्या दे रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। अब बेटर है कि नहीं है? यस सर। ओके, सो अब हम लोग कह सकते हैं हमारा ट्रू एंड फॉल्स पूरा खत्म हो गया। जितना ऑब्वियसली और भी बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर में जितना भी पार्ट था वो पूरा का पूरा रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हम्म, सर हो गया। कुछ बचा इस चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल पार्ट? नो सर। नो सर, सब कुछ हो गया ना? नो सर। अच्छा तो बेसिक अपन ने सारे कर लिए है ना। मैं बस अगर मैं थोड़ा टाइम थोड़ा अजीब सा फंस गया, मतलब या तो अगर मेरे पास 15 मिनट होते, 15 मिनट से ज्यादा होते, मान लो 20-25 मिनट भी होते कम से कम, तो मैं थोड़ा न्यूमेरिकल पे भी आ सकता था, पर न्यूमेरिकल के लिए मैं फिर से एक और क्लास लूंगा। ओके बेटा। यस सर।
न्यूमेरिकल पे थोड़ा एडवांस जाएंगे उसमें हम लोग. ओके ओके सर. अभी एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक लेवल पे पूरा कवर करना था मेरे को. कॉन्सेप्चुअली मैंने पूरा कवर कर दिया, उसके बाद हम लोग एकदम एडवांस मतलब क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन तो आप लोग कर चुके हो ना. यस सर. तो फिर भी एक बार बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक बताऊंगा और उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग चार पांच. आपका जो वीडियो है उसके ग्रीन है क्या बेटा? क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. मैं ये कह रहा हूँ कि एक और क्लास लूंगा उसमें मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा. ओके ठीक है. ओके सर. चलो डन. बाकी आपका लेकिन आपका सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है स्कूल के हिसाब से. यस. कितना पीछे चल रहा है? कितना पीछे चल रहा है? नहीं सर, हम लोग मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट एक चैप्टर. अच्छा एक्सपेरिमेंट वाला चैप्टर है मतलब मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट. देखो यार मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट आप सुनो बात. अच्छा स्कूल में एक ही चैप्टर हुआ अभी तक? हाँ सर मेरे स्कूल में तो एक ही चैप्टर हुआ है मेजरमेंट. सर हम लोग का स्कूल में दो चैप्टर हो गया. कौन कौन सा? मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट और ये मोशन. अच्छा तो मतलब बहुत ज्यादा पीछे नहीं मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट ज्यादा ज्यादा हम लोग पीछे चैप्टर है ना. यस सर बस उतना ही. ठीक है ठीक है. देखो मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट जो चैप्टर है ना वो आप लोग देखो मतलब आप लोग बोलोगे तो हम पढ़ा देंगे. ठीक है ऐसी बात नहीं है. वैसे मैम से बात करना है सर. मैं क्या बोलूँ? ठीक है मैम पढ़ा लेना. ओके सर. ठीक है चलो फिर. ओके बाकी और कोई तकलीफ तो नहीं हो रही क्लासेस में? क्लासेस अब तो जो पुरानी क्लासेस छूटी उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास देके. और कोई तकलीफ तो नहीं बची है? नो सर. नो नो सर. ठीक है. नो सर. ठीक है बेटा फिर चलिए फिर रखते हैं. फिर अभी मिलते हैं अगली क्लास में फिर. ओके ओके सर. बाय बाय बेटा.